आरोग्य जागृति। दर्शकों, आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है। आरोग्य जागृति हर वक्त में एक स्पेशलिटी या फिर डॉक्टर या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बताना चाहता है। आज हम ऐसी ही संकल्पना बहुद्देशीय फाउंडेशन के कार्यालय में आ चुके हैं, जिसके सर्वे सर्वा मुळे मैडम है, जिन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में हमें थोड़ा जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, ये कैसी होती है, ये कहाँ पे लागू होती है, इससे कौन से बेनिफिट होते हैं, ये हमें मैम बताएंगी। दर्शकों, आज पैंडेमिक के पीरियड में सभी लोग आरोग्य से परेशान हैं। ऐसे में हमें ऐसी जानकारी मिलती है कोई योजना के बारे में, शासन की योजना हमें पता चलती है, वो हमें कैसा लेना चाहिए और उससे हमें क्या लाभ मिलेगा। दर्शकों, इस वीडियो को हम इसलिए बनाना चाह रहे हैं क्या आज हर एक इंसान आरोग्य के विषय में परेशान है। डॉक्टर मुळे मैडम से हम जानेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नमस्ते, मेरा नाम संगीता राजेंद्र मुळे है। मैं संकल्पना बहुद्देश्य सेवाभावी संस्था, ये हेल्थ संस्था चलाती हूँ। इसके पहले हेल्थ के बारे में बहुत सारे काम किए हैं। अभी पिछले 1.5 साल से हम सारे लोगों को हेल्थ के बारे में, बहुत सारी महामारी से लोगों की जाने गई, कुछ लोगों की माँ गई, कुछ लोगों की बहन गई, कुछ लोगों के पति गए। इसके बीच में 3 महीना पहला हमारे भारत सरकार की आयुष्मान योजना का मुझे पता चला और मैंने उसका ट्राई किया। ये भारत सरकार की आयुष्मान योजना हम सब के लिए फिर से एक बार भारत सरकार खड़ा हुआ है कि इस कार्ड के माध्यम से सभी लोगों को 5 लाख रुपए का जो हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, जो हमें ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो भारत सरकार दे रहा है। भारत सरकार ने इसमें जो एडेड किया है कि पहले सिर्फ पीले राशन कार्ड के लोगों को मिलता था, अभी फ़िलहाल सभी के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन चालू किया है। भारत सरकार की ये आयुष्मान योजना सभी के पास पहुंचकर सभी लोगों ने इस संधि का लाभ अच्छी तरह से लेकर आगे आने वाले 3री महामारी से हम बच सकते हैं। थैंक यू। मैम, जैसा आपने बताया कि आयुष्मान भारत जो कार्ड मिल रहा है, इस किस तरीका होता है और कौन से वेबसाइट से अपने को पता चलेगा कि हमें हमारा रजिस्टर किया? आयुष्मान भारत बोल के एक स्पेशली वेबसाइट भी है, यूट्यूब पे पिछले 3 साल से चल रही है। उसके बाद जो अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र है मेरे पास, फ़िलहाल मैंने औरंगाबाद चालू किया था लॉकडाउन की वजह से। हमारे बहुत सारे टीचर्स लोग अभी इसमें काम कर रहे हैं कि टीचर्स होके भी उनको काम नहीं था, वो लोग हमारे घर घर जाकर लोगों को बता रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर रहे हैं। लॉकडाउन होने से ऑफलाइन काम चालू है, आने वाले 2-3 दिन में जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा इसको ऑनलाइन करके फिलअप करके हमारे हेल्थ मिनिस्टर के पास जाएगा मंत्रालय में, वहाँ पे से एक आपको मैसेज रजिस्टर होगा और हमारे घर में बाय पोस्ट 40 से 45 दिनों में ये कार्ड आया जाएगा। जैसे ही कार्ड हमारे पास आता है वो एक्टिव होके आता है, इसमें हमारे फैमिली को 5 लाख का कवरेज मिलता है। इसके जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल की जो लिस्ट है वो भी यूट्यूब पे है, अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं आई है। औरंगाबाद में फ़िलहाल तो एक हॉस्पिटल है, बट अभी जो नया हॉस्पिटल एडेड करेंगे उस ये कार्ड मिलने के बाद ये कौन से कैटेगरी में होता है और ये कब लागू होगा और कौन से उपचार के लिए किया है? एक्चुअली ये कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को भारत सरकार से सुविधा मिले, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो गरीब लोगों के पास ही ज़्यादा आती है, क्योंकि पैसे की महामारी होती है और सभी काम पैसे से चलता है। तो ज़्यादा करके इसका बेनिफिट मिडिल क्लास के लोग और गरीब लोगों को मिले, यही हमारी भावना है। जैसे आपके पास कार्ड आएगा उसके 8-10 दिन में वो एक्टिव होगा। ये क्रॉनिक डिसीज़ के लिए है, जो पहले से ही बीमारी से परेशान है या जो ऑपरेट करना चाहता है या जो कोविड में अभी पैसा जा रहा है, इसके लिए ज़्यादा करके इस कार्ड का बेनिफिट होता है। नहीं मैम, जैसा बताया कि 2,90,000 पीछे कार्ड बढ़ चुके हैं इंडिया में, औरंगाबाद इंडिया, हाँ बराबर। तो
तो इसमें से एक भी कार्ड धारक को उसका उपयोग नहीं हुआ है, नंबर एक। हाँ। दूसरी बात ये है कि सरकार बोलती है कि ये महाराष्ट्र के लिए अभी लागू नहीं है, बराबर। इसके बारे में आपको क्या जानकारी? पिछले कुछ 31 मार्च की बात करूंगी मैं, 31 मार्च तक अपने पास ज़्यादा नहीं पता था, क्योंकि सरकार ने ये काम एक UTI बोल के प्राइवेट कंपनी है उनको दिया है, और UTI के पास बहुत सारा काम होता है। फिर UTI ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बोल के दिल्ली की कंपनी है उनको दिया है, और अभी तक जो काम हुआ जो बिहार है, UP है, दिल्ली है, वहाँ तक ज़्यादा हुआ। महाराष्ट्र में इसको ज़्यादा काम किसी ने किया नहीं, इसके लिए इसकी एडवर्टाइज ज़्यादा हुई नहीं। बट अभी हमारे महाराष्ट्र लोग जागरूक हो गए हैं कि उनको भी भारत सरकार के तरफ से कुछ हेल्प मिलना चाहिए, इसके लिए मैंने मेरे पास काम किया है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचूंगी और इसका फ़ायदा मिलता है, या आने वाले कुछ दिनों में आपको दिखेगा। नहीं, औरंगाबाद में इसलिए बता रहा हूँ, जिसका कार्ड मिले हैं, कार्ड लेके गए हैं वहाँ पे, बराबर। यहाँ पे UP बाहर स्टेट का कार्ड यहाँ पे चलता है, बराबर, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट का कार्ड नहीं चलता है, ऐसा लोगों की। हाँ, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको अभी तक अप्रूवल नहीं किया था। अभी मेरे पास जो काम आया है, यानी संकल्पना को जो काम मिला है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टैक्स भर के अप्रूवल लेके हमारे पास आया है, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी अभी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देगी। मतलब अभी हॉस्पिटल में लागू है? लागू है। तो पुराने जो कार्ड मिले हैं उनको भी लागू होगा? लागू होगा, उनको रिन्यूअल करना है। जिनके पास पुराने कार्ड बट चुके हैं उनको रिन्यूअल करना है, रिन्यूअल करके अपना कार्ड एक्टिव करना है। इनकी रिन्यूअल की प्रक्रिया कैसी है और कितने साल में रिन्यूअल करना? हर एक साल में ये कार्ड रिन्यूअल करना पड़ता है। रिन्यूअल की प्रक्रिया के लिए अभी अपने पास प्रॉपरली आयुष्मान का ऑफिस नहीं था, ये पहला ऑफिस है, यहाँ से सबके पास जाएगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाने के लिए काम करेंगे। जिनको भी इंक्वायरी करना है, मेरा नंबर 9766132040 है। मैम, जैसा बताया क्या 290,000 कार्ड बढ़ चुके हैं, वो लोगों की कुछ तकरार है कि वहाँ पे उन्होंने 20 रुपये या 19 रुपये भरा था, बराबर, अभी 350 रुपये प्लस 20 रुपीज, बराबर, ऐसा चार्ज दिया जा रहा है, बराबर। ऑनलाइन के लिए इतना खर्चा होता है क्या? एक्चुअली इसका हम देखा जाए तो सभी को पता है कि गवर्नमेंट इन सारी बहुत सारी स्कीम निकलती है, बट वो लोग काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पैसा नहीं आता है। भारत सरकार की तो बहुत सारी स्कीम है, बट जिनको पता है उनको ही पता है, उसमें से बहुत सारे लोग तो कुछ स्कीम सिर्फ पेपर में ही आती है, कुछ स्कीम सिर्फ टेबल पे ही आती है, उसको अगर चलाना है तो उसको खर्चा करना पड़ता है। अभी ये जो नॉमिनल चार्जेस है, ये भी कोई कमाने के लिए चार्जेस है नहीं, इसमें जो खर्चा है, सबसे पहले मैंने डिपॉजिट भर के काम लिया है, ये डिपॉजिट रिफंडेबल है 5 साल के बाद। उसके बाद इसको जो सेटअप है, इसको सेटअप के लिए टेक्नोलॉजी टीम लगाना है। टेक्नोलॉजी टीम यानी अभी लॉकडाउन चालू है, तो लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन नहीं कर रहे, जब ऑनलाइन करेंगे तो एक कार्ड के लिए आधा घंटा लगता है, यानी एक पर्सन एक दिन में सिर्फ 20 या 25 कार्ड उस लैपटॉप में ऑनलाइन कर सकता है। अगर मैं पूरा महाराष्ट्र का देखूँ तो, या मैं सिर्फ अभी औरंगाबाद का देखूँ, तो मेरे को कम से कम वहाँ पे 25 से 30 लोगों को टेक्निकल टीम में बिठाकर फिर वो काम किया जाएगा। यानी इसमें जो हमारी लैपटॉप इन्वेस्टमेंट है सारे, कम से कम 15 से 20 लैपटॉप है, जगह है, नेट खर्चा है, प्रिंटिंग खर्चा है, कस्टमर को जो कार्ड निकाल कर देना है वो खर्चा है, उसके बाद ये सारे बच्चे लोग जो लोग काम कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, इनका पेमेंट है, लाइट बिल है, ये सारा खर्चा निकल कर मेरी हिसाब से ये नॉमिनल चार्जेस हैं। मैम, अभी तक समझो अपने जैसा नॉर्मली जैसा रजिस्ट्रेशन जैसा कार्ड बनाया है, ये कार्ड अभी तक कितना गए आपके पास से और रजिस्ट्रेशन कितना, एक्चुअली रजिस्ट्रेशन कितना, 350 हिसाब से? अभी अभी चालू किया है ये, 4-5 दिन में नहीं, बाहर से काम चालू नहीं हुआ। फॉर्म भरने का काम मैं बोली ना कि हमने हमारे पास ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आया, इनके जो मैन है मनीष कुमार अग्रवाल, इनके घर में कम से कम 5-6 डेथ हुई, वो भी कोरोना की वजह से। तो जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता अंदर का लीगली काम, तब तक मैंने चालू नहीं किया। पिछले 4-5 दिन से ये चालू हुआ है, अभी तक 70-80 फॉर्म भर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन 1,000-1,200 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कुछ लोग पैसे के मारी अभी तक रुक गए हैं, यानी 20 रुपये का रजिस्ट्रेशन तो किया,
बट फॉर्म भरने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। हमारा स्टाफ यहाँ से उनको कॉल करता है, कोई बात नहीं आप आ जाओ। यानी जो कहने का उद्देश्य कि जो बहुत ही गरीब है, जिनके पास 350 रुपये भी नहीं है देने के लिए, उनका मैं फ्री निकालूँ। मैम आपने किससे एफिलिएशन किया, गवर्नमेंट से एफिलिएशन है आपका या फिर और कोई संस्था से एफिलिएशन? ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर से, यानी UTI से। डॉक्यूमेंट्री UTI से होता है। अच्छा। और वर्किंग ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। एफिलिएशन प्रोसेस क्या क्या किया आपने, आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या दिया है? गवर्नमेंट के पास पूरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, अपना संस्था का रजिस्टर्ड है, डिपॉजिट है, उसके बाद उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, उसके बाद जो है अपना गवर्नमेंट का टैक्स है, अपना महाराष्ट्र सरकार का टैक्स है, ये सारा है। 520,000 तो डिपॉजिट है, उसके बाद गवर्नमेंट का ही 120,000 खर्चा है, उसके बाद गवर्नमेंट का टैक्स है, ये सारा करके सेटअप का खर्चा अलग, काम चालू करने का इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा अलग। इसके बीच में पहली बार मैंने गवर्नमेंट का काम हाथ में लिया है। अगर लोगों की तरफ से और आप सभी की तरफ से ये फ़ायदा मिलता है तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। मैम जैसा मतलब आपका काफ़ी नाम है, काफ़ी लोगों में सोशल में एक्टिव में आप हो, लेकिन आपने जहाँ से एफिलिएशन किया है उस संस्था का आपने पर्सनल कुछ कम्युनिकेशन हुआ है या फ़ोन पे कनेक्शन हुआ है या आपने डॉक्यूमेंट देखा है या गवर्नमेंट से, जैसा आपने बोला UTI ये गवर्नमेंट की अलग संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है और इससे कोई संस्था ने काम लिया है उसके माध्यम से आप कर रहे हो। हमारा बोलना एक ही है, अगर आप यहाँ के लोगों का कार्ड ले रहे हो, आपने पूरा मतलब जैसा लास्ट टाइम में लोगों को फसवनी हुई है, नहीं होगा ऐसा, नहीं होगा क्योंकि बहुत से लोग कंप्लेन करके पुलिस स्टेशन में सही है, सही है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमसे आपसे रिक्वेस्ट है, सही है, अगर आपने मनी जी का नाम बोला है, उनके संस्था का क्या है वो आपने देखा, पैसा किसको दिया है ये आपको सब पता है? पता है, पैसा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से है, बाय चेक दिया है, कोई गैर कानूनी काम नहीं है इसमें। अभी तक लोगों को ज़्यादा एडवर्स या हम ऐसा बोलेंगे कि उनको ज़्यादा फॉलोअप नहीं लिया गया, इसीलिए महाराष्ट्र में आयुष्मान ये जो योजना ये ज़्यादा चली नहीं या गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा उसको फोर्स किया गया नहीं। पिछले कुछ दिनों में हमारे बहुत सारे नगर सेवक ने ये कार्ड निकाल के दिया था, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। कुछ लोगों का कार्ड आया है, कुछ लोगों का कार्ड नहीं आया है, जिनका आया है वो भी लोग बोल रहे हैं कि हमें उनका फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि अपने पास से ज़्यादा हॉस्पिटल उसमें ऐड नहीं हुए थे। लॉकडाउन ख़त्म होने जाने के बाद मैं पर्सनली हेड ऑफिस जाकर हमारे कुछ हॉस्पिटल को ऐड करने के लिए कोशिश करूँगी। नहीं मैम, हमने जैसा कि लास्ट में डॉक्टर से सर्वे किया था, मनपा में सर्वे किया था, बराबर मनपा से बताया गया, मनपा से हमें 19 हॉस्पिटल की लिस्ट मिल चुकी थी, बराबर आयुष्मान भारत जहाँ पे चलता है, बराबर। हमने जब हॉस्पिटल के संचालकों से बात किया तो उन्हें बताया कि ये योजना हमारे महाराष्ट्र में लागू नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में नहीं। हाँ, बाहर के स्टेट का अगर कार्ड आता है तो उनको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो ऐसा क्या चीज़ है? ऐसा यानी महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक उसको अप्रूवल नहीं किया था, इसके लिए वो महाराष्ट्र में नहीं चली थी। मैं फिर से बोलूँ ना कि 31 मार्च के बाद इसका GR चेंज करके महाराष्ट्र में वो लागू हुआ है क्योंकि इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जैसे ही अपना खुल जाएगा ये, यहाँ पे लाने के लिए सबसे पहले अप्रूवल होता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। अगर ये स्कीम यहाँ पे नहीं चलती थी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुझे अप्रूवल नहीं देती थी। कंफ्यूजन ये है कि आप सेंट्रल से अप्रूवल हो गए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टैक्स अलग भरा सर मैंने। ओके, तो ये आरोग्य मंत्री के माध्यम से ये आपको पता है ये चल रहा है तो? हाँ, आरोग्य मंत्री की तरफ से पता है चल रहा है, बट अभी मैं जो अटैच हूँ वो UTI और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर से। दर्शकों, मुळे मैडम ने हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। हम ये चाहते हैं आरोग्य मंत्री ने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि पैंडेमिक में हर एक को एक कार्ड की आवश्यकता होती है। जैसे हमने बताया कि लास्ट टाइम में 2,90,000 कार्ड बच चुके हैं, लेकिन उनका कार्ड धारकों का एक तकरार है, कंप्लेन है, उन्होंने बता रहे हैं कि ये कार्ड यहाँ औरंगाबाद में लागू नहीं है। हमने भी महानगर पालिका के ओर से कुछ लिस्ट मांगा था हॉस्पिटल के संचालकों से बात किया है, उन्होंने बता रहे हैं कि औरंगाबाद में अभी तक महाराष्ट्र में कोई हॉस्पिटल अप्रोच नहीं है। आरोग्य जागृति।